कनाडा में कोरोना वैक्सीन लगवाने की अनिवार्यता के विरोध में शुरू हुए ट्रक चालकों के आंदोलन का असर अब इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर पर भी होना शुरू हो गया है। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से परेशान होकर राइजिंग फिनिक्स इंटरनेशनल इंक ने अपने 3 शिक्षा संस्थानों को बंद करने की घोषणा कर दी है। इससे वहां पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए कई समस्याएं पैदा हो गई हैं। इसके बाद ओटावा के भारतीय हाई कमीशन ने भारतीय छात्रों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक अगर छात्रों को अपनी फीस की भरपाई या फीस के ट्रांसफर में कोई मुश्किल आती है तो वो क्यूबिक सरकार के उच्च शिक्षा मंत्रालय के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको बता दें कि ये छात्र 3 कॉलेजों में पढ़ते थे और अब इनके कॉलेज का दिवालिया होने की वजह से ये बंद हो गए हैं। आपको बता दें कि भारत के कई छात्रों ने भारतीय हाई कमीशन से संपर्क किया है, जो राइजिंग फिनिक्स इंटरनेशनल इंक द्वारा संचालित 3 संस्थानों में पढ़ते थे, जिनमें CCSQ कॉलेज, M कॉलेज और CDE कॉलेज शामिल है, जो क्यूबिक प्रांत में मौजूद है। एडवाइजरी के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन इन छात्रों की समस्या को लेकर कनाडा सरकार और क्यूबिक प्रांत की सरकार के साथ साथ भारतीय समुदाय के निर्वाचित कनाडाई प्रतिनिधियों से संपर्क में है और इन प्रभावित छात्रों को सहायता प्रदान करने और इस मुद्दे के समाधान के लिए बातचीत का भी प्रयास किया जा रहा है। साथ ही भारतीय हाई कमीशन का यह भी कहना है कि अगर छात्रों को अपनी फीस की वापसी या ट्रांसफर के मामले में कोई भी कठिनाई आती है तो वो क्यूबिक राज्य के उच्च शिक्षा मंत्रालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हाई कमीशन ने इस बात को दोहराते हुए कहा है कि कनाडा में शिक्षा हासिल करने के इच्छुक भारतीयों को संस्थानों की वैधता की पूरी तरह से जांच कर लेनी चाहिए, जिससे वे किसी भी संभावित धोखाधड़ी से बच सके। छात्रों को ऐसे किसी भी संस्थान को कोई पेमेंट करने से बचना चाहिए जो पेमेंट करने के बदले में वीजा दिलाने का वादा करता हो। साथ ही ऐसे संस्थानों को अपनी निजी जानकारी और डेटा भी देने से बचना चाहिए। एडवाइजरी में कनाडा में रहने वाले भारतीय छात्रों को अपने करीबी भारतीय मिशन में मदद पोर्टल में अपना नाम दर्ज कराने के लिए भी कहा गया है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देश दुनिया की सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए द न्यूज़ 15 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।